अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चिकन बिरयानी, जो कि हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए 1/2 कप ऑयल, 4 से 5 प्याज बारीक चॉप किए, बारीक स्लाइसेस कर लेने हैं, उनको गोल्डन ब्राउन करना है। और उसके अंदर अब हम लोगों ने ऐड कर लिया है चिकन 1 kg, और साथ ही ये चॉप किए हुए लहसुन और सब्ज़ मिर्चें ये हम लोगों ने ऐड कर लेनी है। और इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट इसमें जाएंगे उनमें है टमाटर 5 अदद, पुदीना, धनिया जो कि आधी आधी कटी है, 2 लीमू हैं, 6 से 7 या 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें हैं, और ये अदरक का 1 टुकड़ा, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब होगा, और 1 कप हमें चाहिए दही। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे चिकन जो है वो फ्राई हो रहा है, इसको हमने थोड़ा लाइट, इसका कलर हो जाएगा तो चिकन जब अपना कलर चेंज कर लेगा तो फिर बाकी बाद में हम इसमें चीज़ें डालना शुरू करेंगे। और यहाँ पे हमने चावलों के लिए पानी रख दिया है जिसमें चावल बॉयल होंगे। अब इसमें हम डालेंगे खड़े मसाले, जो कि मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कितने कितने जाएंगे। तो ये चावल का पानी, चावलों के लिए पानी हमने चढ़ा दिया था। उसके लिए जो हमें खड़े मसाले चाहिए उसमें है 1 टेबल स्पून ज़ीरा, और इसके साथ ये लौंग और काली मिर्चें जो हैं ये थोड़ी सी 1 टीस्पून है, और दालचीनी की ये 2-3 स्टिक्स हैं, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची हैं 4 से 5 अदद, बादियान का फूल है और जावित्री है, और 1 टीस्पून जो है वो सूखा धनिया, 1 लीमू स्लाइस किया हुआ, और बे लीव्स हैं, और पुदीना थोड़ा सा जाएगा, 4-5 सब्ज़ मिर्चें। तो अब ये चीज़ें और नमक जो है वो आपने अपने अकॉर्डिंग डाल लेना है टेस्ट के। तो ये चीज़ें अब हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ ये देखें चिकन अच्छे से फ्राई हो रही है। हाँ, अभी अब इसमें हम लोग डालेंगे टमाटर, और टमाटरों का पानी अच्छी तरह जब खुश्क हो जाएगा तो फिर इसमें जाएगा ये इसका पेस्ट, दही का पेस्ट हम लोगों ने बनाया है अभी, वो जाएगा। पहले हम डालेंगे टमाटर जो कि हमने काटे हुए थे 4 से 5 अदद बड़े साइज़ के, इनको अब अच्छी तरह पकाना है तब तक जब तक इनका पानी खुश्क ना हो जाए। अच्छे से बाउल में जो है वो 1 पैकेट बिरयानी मसाला ले लेना है, सिंधी बिरयानी, और साथ में जो अदरक का पेस्ट था वो हमने डाल लिया, और इसमें जाएगा 1 कप योगर्ट, और इसको अच्छी तरह मिक्स करके आपने अच्छा सा पेस्ट बना लेना है जो अभी हम चिकन में ऐड करेंगे। ये देखें, तो यहाँ ये देखें चिकन अच्छे से फ्राई हो रही है। हाँ, अभी अब इसमें हम लोग डालेंगे टमाटर, और टमाटरों का पानी अच्छी तरह जब खुश्क ना हो जाए। और जैसे ही ये पानी को बॉयल आया इसमें डाल दिए हम लोगों ने चावल जो कि 1/2 kg थे, और ये देखें टमाटर जो हैं ऑलमोस्ट गल चुके हैं, अभी पानी है इसमें क्योंकि गैस, ये देखें गैस बहुत स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आज हम लोगों ने एक रेसिपी और आप लोगों के साथ शेयर करनी है, वो है चिकन के कबाब का। आज शायद अगर ये काम जल्दी हो गया क्योंकि गैस कम आ रही है, अगर टाइम से ये बन गया तो वो भी इंशाल्लाह हम लोग बनाएंगे और आप लोगों के साथ। चलिए ये देखिए, अब इसमें चला गया है दही वाला मसाला जिसमें बिरयानी मसाला हम लोगों ने मिक्स करके रखा हुआ था, टमाटर का पानी खुश्क हो गया, फिर हमने ये ऐड कर देना है। अगर आपने स्पाइसी खाना है तो आप इसमें दूसरे घर के मसाले भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कुटी हुई मिर्चें या फिर पीसी हुई या काली मिर्चें, गरम मसाला, ये चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। तो अब जैसा कि हम लोगों को थोड़ा इसमें कम लग रहा था तो हमने भी इसमें थोड़ा सा तीखापन ऐड करने के लिए, तीखापन लाने के लिए इसमें रेड चिली पाउडर थोड़ा सा ऐड किया है, और थोड़ा सा सूखा धनिया, ये चला गया धनिया और पुदीना ये हमने डाल दिया। चलें जी, ये अच्छी तरह आपने सारा इसके ऊपर डाल लेना है, और इसको अब हम थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे
ताकि आलू चिकन वगैरह अच्छी तरह गल जाए और मसाला भी पक जाए। लगने लगी है चावलों की तह बिरयानी की। चलें, ये हमारा कह लें कि चिकन भी तैयार हो गया है। अब इसमें तह लगेगी बिरयानी की। एक हमने चावल डाले, पहले चावल की तह, फिर ऊपर चिकन जाएगा। और यहाँ ये देखें, इतने प्यारे से इसमें हमने जो है वो फूड कलर जो है दूध में मिक्स करके रखा हुआ, ये जाएगा इसमें। इसके ऊपर अब फूड कलर डाल दिया है, थोड़ा सा पुदीना और ब्राउन की हुई प्याज। अब इसको तकरीबन 7 से 10 मिनट या 7 से 8 मिनट जो है वो दम जाएगा और हमारी ये मज़ेदार सी जो है बिरयानी बन के रेडी हो जाएगी। तो ये देखें, दम हमने उठा लिया है, तो ये मज़ेदार सी बिरयानी माशाल्लाह पक के तैयार हो चुकी है। अब इसको कर लेते हैं डिश आउट। वाह जी वाह, क्या लाजवाब बिरयानी बनी है, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, खाने में भी इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी बनी है। अब इसको डिश में निकाल लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स देखें, बिरयानी जो है मज़ेदार सी बिरयानी, चिकन बिरयानी है बन चुकी है। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और बताना है ये कैसी बनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो फ्रेंड्स, अभी मेरी मम्मा ने बिरयानी भी बना ली, रायता भी बनानी है। अब मेरी मम्मा भी आएगी, मेरी प्लेट में थोड़ी सी डालेगी, फिर मैं आपको टेस्ट करके छट्टा सा। ये मेरी प्लेट, ये मेरी प्लेट, मेरी प्लेट, मेरी प्लेट। तो अभी हानिया जो है वो आपको टेस्ट करके बताएगी कि बिरयानी कैसी बनी है। हानिया टेस्ट करके बताएं। कैसी बनी है? अगर रात को डालेंगे तो और भी मेरे को बनेगी। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अब अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक करें, तो देखा जो मेरी मम्मा ने रेसिपी बनाई है वो भी ट्राई करके ट्राई किएगा और खा के देखिएगा।